हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी ओसोफेगस के बारे में। ओसोफेगस क्या है बच्चों? ओसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप का मतलब समझ सकते हो, जिससे फूड जाता है। फूड हो गया एंड पाइप हो गया, फूड पाइप, जिससे जिस पाइप से फूड जाता है। और आपको याद रखना होगा कि ट्रेकिया, ट्रेकिया आपका सामने आएगा, ओसोफेगस पीछे आएगा। बच्चों बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ट्रेकिया किधर है, ओसोफेगस किधर है, कंफ्यूज कर जाते हैं। आप ऐसे याद रखो कि ओसोफेगस से खाना जाता है, वो थोड़ा हैवी होगा, जबकि ट्रेकिया से क्या जाता है, एयर जाता है। तो एयर, एयर क्या हुआ, लाइट हुआ। तो लाइट जब हुआ तो वो जिस पाइप से जाएगा तो वो लाइटर होगा, और फूड जिस पाइप से जा रहा है वो हैवी होगा। तो हैवी वाली चीजें क्या होगी, वो पीछे होनी चाहिए। नहीं, अगर वो ओसोफेगस अगर आगे रहता है तो ट्रेकिया को कंप्रेस्ड करेगा, फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप बच्चों इस तरह से याद रखो कि ट्रेकिया में एयर जाएगा जो कि लाइटर होता है, तो वो कंप्रेस नहीं होगा और फूड पाइप उसके पीछे होगा। मतलब ट्रेकिया आगे, फूड पाइप पीछे। फूड पाइप में हैवी चीज जा रही है और ट्रेकिया में लाइटर चीज जा रही है, जिससे ट्रेकिया कंप्रेस्ड नहीं हो पा रहा है। तो अब बच्चों आपको इजी हो गया, फर्स्ट के सामने फ्रंट में क्या होगा, ट्रेकिया, देन उसके पीछे क्या होगा बैक में, ओसोफेगस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने ये ट्रिक बताया है आपको। तो ओसोफेगस फूड पाइप, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है बच्चों। ये बिहाइंड ट्रेकिया होता है एंड हार्ट के बिहाइंड होता है। और ये जो ओसोफेगस को है, इसको हमने थ्री पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहला है आपका सर्वाइकल, थोरेक्स, सेकेंड एंड थर्ड है एब्डोमिनल। सर्वाइकल वो पार्ट है जो नेक के पोर्शन में पाया जाता है। ओसोफेगस का वो पार्ट जो नेक में पाया जाता है वो हो गया सर्वाइकल पार्ट। और सेकेंड है आपका थोरेसिक पार्ट जो कि थोरेक्स में पाया जाता है। थोरेसिक पार्ट जो थोरेक्स एरिया में पाया जाता है। एंड एब्डोमिनल पार्ट वो हो गया जो कि एब्डोमिनल में पाया, एब्डोमिन में पाया जाता है। बेटा आप आना इधर। ये बच्चों देखो, मैं ये बता रही हूँ, जैसे ये ओसोफेगस है। ओसोफेगस का मैंने आपको बताया था कि थ्री पार्ट्स है। एक तो पहले ही आप देखो, ये आपका जो पार्ट हुआ ये फेरिंग्स हुआ। फेरिंग्स, ये जो ये अंदर ये पार्ट हुआ वहां से, ये फेरिंग्स हुआ। फेरिंग्स के बाद ये आपका ये जाएगा ओसोफेगस, ट्रेकिया के पीछे ये ओसोफेगस जाएगा। तो ये जो आपका पार्ट हुआ, ये देखो ये सर्वाइकल एरिया है। ये जो होता है, ये जो हमारा होता है, दिस इज सर्वाइकल एरिया। तो ये जो ओसोफेगस का पार्ट हुआ जो कि नेक में है, तो इसलिए हम ये उसको बोल देंगे सर्वाइकल पार्ट। फिर उसके बाद आप ये देख लो, ये जो हो गया सर्वाइकल पार्ट। और ये जो आपका हुआ थोरेक्स में, जो थोरेसिक पार्ट हुआ जो थोरेक्स में आया, ये देखो, ये जो आपका आया थोरेक्स में, जो ये पार्ट आया ये आपका हो गया सर्वाइकल। देन ये जो आपका आया, ये जो आ रहा है ये थोरेक्स में आ रहा है, थोरेक्स पार्ट में, इसके पीछे जो ओसोफेगस का एरिया आया, तो इसलिए ये हो गया आपका थोरेसिक पार्ट। जो ओसोफेगस यहां से पास आउट हो रहा है इस एरिया में पीछे से, तो ये हो गया आपका थोरेसिक पार्ट। एंड इसके नीचे आप जाओगे तो फिर ये जाके ओसोफेगस, यहाँ पे डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम को पर्स करते हुए अंदर जाता है। तो यहाँ पे जो एक ओसोफेगस हुआ, ओसोफेगस का जो एब्डोमेन में पार्ट चला गया वो हो गया एब्डोमिनल पार्ट। तो बच्चों ये इजी हो गया आपका। ये आपको हो गया फेरिंग्स, ये आपका सर्वाइकल में, सर्वाइकल एरिया में जो है ओसोफेगस का पार्ट, ये हो गया सर्वाइकल पोर्शन वाला, सर्वाइकल पार्ट जो कि नेक वाला पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद ये जो आपका हो गया जो थोरेक्स में जाकर के हुआ, ये थोरेसिक पार्ट हो गया। और फिर उसके बाद ये जो एब्डोमेन के नीचे गया, तो ये एब्डोमिनल पार्ट हो गया। अब ये बच्चों मैं ये देखो, यहां पे आप देख लो, ये आपका फेरिंग्स हुआ। फेरिंग्स के नीचे आपका ये, फेरिंग्स से ये रिलेटेड है, ये नीचे गया, फूड आपका जाएगा ये यहां से जाके, फिर उसके बाद ये स्टोमेक में जाएगा। तो ये जो ओसोफेगस में, ये ऊपर में जहां से फेरिंग्स और ये जो होता है फेरिंग्स, और जहां ये फूड पाइप स्टार्ट होता है, यहां पे एक मस्कुलर
रिंग होता है, दो स्पिंचर पाया जाता है। स्पिंचर का काम क्या होता है बच्चों, कि जो फूड पाइप से हमारा खाना गया, फेरिंग से जो खाना गया हमारा फूड पाइप में, और फिर फूड पाइप से फिर नीचे गया खाना स्टोमक में, तो यहाँ पे दो तरह का स्पिंचर पाया जाएगा ओसोफेगस में, एक यहाँ पे पाया जाएगा, एक इस एरिया में पाया आएगा। स्पिंचर में मस्कुलर रिंग होता है जो कि रोकता है नीचे का खाना, ये स्टोमक का खाना ओसोफेगस में ना जाए, क्योंकि अगर नीचे का खाना, अगर वो स्टोमक का खाना अगर आपका ओसोफेगस में रिफ्लेक्स होकर जाएगा तो फिर उसके बाद उससे आपकी बीमारियां होगी, तो आपको रिफ्लेक्स जाएगा तो फिर वहां पे आपका एसिडिटी और ये सब कॉज करेगा। तो स्पिंचर का काम होता है केवल ऊपर से नीचे खाना लाना, ना कि आपको रिवर्स डायरेक्शन में खाना को लेके जाना। तो ये दो स्पिंचर पाया जाता है, एक फेरिंग्स और ओसोफेगस के बीच में, और एक दूसरा होता है जो ओसोफेगस और स्टोमक के बीच में पाया जाता है। ये दो स्पिंचर है, ये याद रखना बच्चों। अब ये क्या होता है कि ओसोफेगस यहाँ जाकर के ये पर्स करता है, डायफ्राम को छेद करता हुआ नीचे जाता है और ये स्टोमक में जाकर खुल जाता है। ये ओसोफेगस जाकर स्टोमक पार्ट में खुलता है। तो ओसोफेगस का आपका मेन काम क्या हुआ, ओसोफेगस का फंक्शन ही हुआ है कि ये खाने को फेरिंग से लेकर के ये स्टोमक तक लेके जाता है, ये ओसोफेगस का हमारा काम हुआ। तो बच्चों इतना समझ में आ गया। और आपको मैं पॉइंट बता रही हूं कि ओसोफेगस का जो, ये देखो अगर आप इसको थ्री पार्ट में बांट लेते हो तो ये जो, अगर ये वन थर्ड पार्ट हो गया, ये टू थर्ड पार्ट हो गया, तो ये जो वन थर्ड पार्ट है ये कौन से मसल से बना हुआ है, स्केलेटल मसल से बना हुआ है। और ये जो टू थर्ड पार्ट है, लोअर टू थर्ड पार्ट है, ये अपर वन थर्ड पार्ट है, ये लोअर टू थर्ड पार्ट जो है ये स्मूथ मसल से बना हुआ है। तो बच्चों इतना आप याद रखना, और ओसोफेगस में बस इतना ही है। और मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे स्टोमक के बारे में बताऊंगी, और मैं आपको बता दे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।